महिलाएं खास करके ज्यादा उत्साहित दिख रही है, कह रही है कि अगर ऐसा मौका हमें बार बार मिले तो हम हमेशा करेंगे, तो क्यों ना मंदिर में साप्ताहिक कार्यक्रम रखा जाए। यही तो मेरा टीम है, यही तो मेरा टीम है कि महिलाएं उत्साहित होते हैं। इसके साथ मेरा जो सेना लोग है, हम लोग तो सभी राम का सेना है। स्टेट तक के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आज दूसरा दिन है जो कि अयोध्या धाम से वहां से आया हुआ अक्षत यहां के कॉलोनी वासियों की महिलाओं के द्वारा, यहां के समाज सेवियों के द्वारा, सनातन धर्मी प्रेमियों के द्वारा आमंत्रण अक्षत का वितरण घर तक जाके किया जा रहा है। लोगों को घर घर जाके पहुंचाया जा रहा है और आमंत्रण दिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। आपको ये मौका मिला है, ये सौभाग्य मिला है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी का बात है कि हमको मौका मिला है, सौभाग्य मिला है कि ये समारोह में हम सम्मिलित हो गए। और ये 500 वर्ष के बाद हमारे राम लल्ला हमारे अयोध्या में स्थापित हो रहे हैं, इससे हमको बहुत खुशी है और बहुत उत्सव है। क्या कहेंगे, आज पूरा कॉलोनी पूरा घूमे, कल भी घूमे, आज भी घूम रहे हैं, कहाँ तक जाइएगा आज? ये CTS BTS MDS बहुत खुशी लग रहा है कि हम इतने आदमियों के साथ घूम रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सब बढ़ते जा रहा है, सब घटने के साथ घटता नहीं और बढ़ता ही जाता है, और बढ़ रहा है कि एक दिन और घूमते तो और अच्छा लगता और मजा आता, राम जी का कीर्तन करते, भजन करते, जय श्री राम बोलते। जय श्री राम। आप देख सकते हैं ये उत्सव महिलाओं में, ये तो देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं। आपका क्या नाम हुआ और कहां से हैं आप? नीलम भारती। तो क्या तैयारी कर रहे हैं 22 जनवरी के लिए? हम लोग बहुत खुश होकर तैयारी कर रहे हैं कि सब जितना जेंट्स महिला प्रोजेक्ट का है पूरे हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, खिलाएंगे भी। 22 जनवरी को क्या क्या कीजिएगा? 22 जनवरी को हम लोग अपने घर में दीप जलाएंगे और दिवाली की तरह हम लोग को घर के सजाना है, साफ सफाई करना है और राम भगवान के लिए हम लोग अच्छे अच्छे पकवान भी बनाना है और पूजा पाठ करना है राम भगवान के लिए। आप क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? हम लोग पटवा हनुमान में 56 भोग लगेगा और खीर और खिचड़ी का भोग लगेगा और अखंड रामायण पाठ होगा जो 21 से चालू होगा और 22 को खत्म होगा। तो घर में क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं 22 जनवरी को घर में अपने लिए क्या कर रहे हैं? घर में साफ सफाई जिस तरह दिवाली के समय हम लोग करते हैं, अभी से सब लोग हम लोग लग गए हैं कि उसी तरह जैसे दिवाली मनाए थे उसी तरह हम लोग को इस बार भी दिवाली 22 तारीख को मनाना। और हम लोग ये समझ रहे हैं, अक्षत वितरण करते हुए समझ रहे हैं कि हम लोग अपना ये गांव घर में हम लोग लग रहा है अयोध्या ही हम लोग बना डालेंगे। काफी उत्साह है, आप देख सकते हैं जय श्री राम के नारे से सभी लोग नारा लगा रहे। अभी हमारे साथ मुखिया जी और यहाँ भी मुखिया जी से भी जानेंगे, लगातार मुखिया जी का अहम योगदान रहा है और अभी भी देख सकते हैं आज दूसरा दिन है और मुखिया जी टाइम निकाल के सनातन प्रेमियों के लिए, सनातन धर्म के प्रेमियों के लिए आज यहाँ पे खड़े हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। मुखिया जी आज दूसरा दिन है, आज इधर पूरा आए हुए हैं, आज फिर से ये वही उत्साह भीड़ देखा जा रहा है, महिलाओं को भी काफी यहाँ पे भीड़ है। धन्यवाद विवेक, मेरा ही नहीं मेरा टीम का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ पूरे कॉलोनी वासी पूरे महिला लोग साथ दिए हुए हैं ये पवित्र अक्षत वितरण करने के लिए। और हम लोग आज दूसरा दिन निकले हुए हैं ये पवित्र अक्षत को वितरण करने के लिए और जितने भी क्षेत्र के जनता हैं सब लोगों के एक एक लोगों तक ये पवित्र अक्षत पहुँचाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि 22 तारीख को धूमधाम से दीपावली मनाएँ, लोग अपने घरों में मनाएँ, मौका मिले तो पटवा हनुमान मंदिर में आएँ और पटवा हनुमान मंदिर में आए उस रोज बहुत तरह का व्यवस्था की गई है, वहाँ भी आके लोग सम्मिलित हों और पवित्र अक्षत के साथ दान पुण्य जो भी करना है जिस तरह का करना है सब करें लोगों। महिलाएं खास करके ज्यादा उत्साहित दिख रही है, कह रही है कि अगर ऐसा मौका हमें बार बार मिले तो हम हमेशा करेंगे, तो क्यों ना मंदिर में साप्ताहिक कार्यक्रम रखा जाए। यही तो मेरा टीम है, यही तो मेरा टीम है कि महिलाएं उत्साहित होते हैं। इसके साथ मेरा जो सेना लोग है, हम लोग तो सभी राम का सेना है, मेरे जितने भी टीम का सदस्य लोग हैं तहे दिल से हमें कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं, जिसके चलते मैं आगे बढ़ता हूं इस तरह के। तो ये आप जो देख रहे हैं ये मुखिया जी का पूरा टीम है और सभी इस कार्यक्रम में सभी का हम योगदान रहता है। अभी हमारे साथ क्या कहेंगे, आज यहाँ पे पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं तो राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। आप भी ठंडे में, ठंडा का मौसम भी है, लोग आए हुए हैं, आज यह प्रोग्राम हर्षोल्लास के साथ
पूरे भारत रजरप्पा क्षेत्र में नहीं पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है। कारण कि यह 500 वर्ष पहले से हम लोगों के संग पूर्वजों ने संघर्ष किया और आज हमारे रामलला 22 तारीख को अयोध्या में उनके प्राण प्रतिष्ठा या स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए हम लोग वहां से अयोध्या से जो अक्षत पूरे देश में भेजा गया है उसको हम लोग हर्षोल्लास के साथ पूरे रजरप्पा क्षेत्र के तमाम धर्म प्रेमी माताओं बहनों बच्चे हर्षोल्लास के साथ वो अक्षत का वितरण कर रहे हैं और आगे 22 तारीख को हम लोग मंदिर में अपना भव्य प्रोग्राम करेंगे। इसके लिए भी सारे लोगों को निमंत्रण देते जा। महिलाएं तो अपना अपना काम कर रही है, घर का सजाने संवारने का काम कर रही है, इसमें पुरुषों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप लोग क्या तैयारी कर, महिलाएं अपने काम में लगी हुई है, आप लोग क्या कर? बिल्कुल हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द अगल बगल और मंदिर परिसर में काफी साफ सफाई हम लोग करेंगे और 22 तारीख को घर घर लोगों को प्रेरित करेंगे कि अपने अपने घरों में भी दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं और ये मंदिर परिसर में हम लोग पूरा दीपावली मनाने का प्रयास। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहेंगे आप, आज जो कलश निकाला गया है, छत निकाला गया है, लोगों तक घर घर तक जाके पहुंचाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री राम त्रेता में अवतार हुए थे और त्रेता में इसलिए अवतार हुए थे क्योंकि सत्य के बाद दापर आना चाहिए, दापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद अभी कलयुग। लेकिन इतना उस समय एक काल युग पहले ही इतनी इनकी आवश्यकता हुई कि द्वापर को लांग करके ये त्रेता में ये पहले ही अवतार हो गए। तो आप जान सकते हैं कि भगवान राम कितने सत्य के प्रकाशक है, कितनी शक्तिशाली है, कितनी दरिद्रता पर उनका कृपा है। तैयारी क्या चल रही है? तैयारी यही चल रही है कि जैसे ये उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा, उन प्राण प्रतिष्ठा के दिन हर घर में जय श्री राम का नारा गूंजे, हर घर में भगवान का स्थापित हो। तो आपने सुना कि किस तरह से जो ये पूरे टीम है लगे हुए हैं अपने अपने कार्यक्रम को सफल बनाने में और ये अक्षत घर घर तक पहुंचाने का जो काम है वो सुबह से ही जारी है। हम सभी सनातनियों का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन लोगों को महापुरुषों का जिनके बदौलत आज ही हम लोग का 500 वर्षों का सैकड़ों वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है। हमारे आराध्य देव रामलला 22 तारीख को स्थापित होने जा रहे हैं और सभी सनातनियों से मेरा निवेदन होगा कि वो बढ़ चढ़ कर धर्म के काम में उनके मान प्रतिष्ठा के लिए अपने सनातनियों के लिए जितना सहयोग हो सके। जैसे हम लोग आज अक्षत बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे, भगवान श्री राम का कीर्तन भजन कीर्तन सारा होगा, महाभोग का भी वितरण का भी प्रोग्राम रखा गया है, उस चीज को हम लोग पूरा करेंगे।